हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है शिवम तिवारी और आज जो है हम स्वेद के बारे में पढ़ेंगे। स्वेद में जो है दो प्रकार से बताया गया है, स अग्नि और निर अग्नि। इसको हम 5 मिनट के अंदर कैसे तैयार करेंगे तो उसके लिए थोड़ी सी ट्रिक और जो बताएंगे उसमें से हम इसको 5 मिनट के अंदर रिवाइज भी कर पाएंगे और 5 मिनट के अंदर याद भी कर पाएंगे। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्वेद। स्वेद के अंदर जो होता है स अग्नि भेद से और निर अग्नि भेद से दो प्रकार से बताए जाते हैं। तो जो स अग्नि होता है वो 13 प्रकार के बताए गए हैं और जो निर अग्नि है वो 10 प्रकार के बताए गए हैं। अब जो स अग्नि है उसके लिए एक ट्रिक होगी, ठीक है। तो जो स अग्नि है उस जो 13 प्रकार है उसको हम कैसे याद करेंगे, तो देखिए जो स अग्नि होती है उसको हम किस ट्रिक से याद करते हैं, तो शंकर जो ना भूमि पर, शंकर जो ना भूमि पर, पर के ऊपर स्क्वायर है तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, शंकर जो ना भूमि पर A2K4 करता है, ठीक है। A2K4 इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि शंकर जो ना भूमि पर A2K4 करता है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, तो देखिए शंकर, शंकर से आ गया शंकर स्वेद, जो से आ गया जिंताक, ना से आ गया नाड़ी स्वेद, भूमि से आ गया भूमि स्वेद, पर से आ जाएगा प्रस्तर और परिसेक। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि पर से 2 बार है, ठीक है। तो प्रस्तर और परिसेक, तो इसको आप ऐसा भी ले सकते हैं कि शंकर जो ना भूमि पर A2K4 करता है, ठीक है। तो A2 से क्या आ जाएगा, अवगाहन और अस्मग्न, ठीक है। K4 से क्या आ जाएगा, तो K4 से आपको ऐसा याद रखना है कि एक कुटी है जिसमें कि एक कुंभी है, ठीक है, कुंभी और कूप, ठीक है। तो आपको ऐसा याद रखना है कि एक कुटी है जिसमें कि एक कुंभी और एक कूप है और उसमें करसु स्वेद होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस 13 प्रकार के स अग्नि स्वेद को याद कर सकें कि शंकर जो ना भूमि पर A2K4 करता है, ठीक है। तो शंकर से शंकर, जो से जिंताक स्वेद, ना से नाड़ी स्वेद, भूमि पर से भूमि, पर से प्रस्तर और परिषेक, A2 से आ जाएगा अवगाहन अस्मग्न और K4 से आ जाएगा कूटी कूपी कुंभी कूप और करशु, ठीक है। इस प्रकार आपका स अग्नि स्वेद याद हो जाता है। अब आता है हमारा निर अग्नि स्वेद। तो जो निर अग्नि स्वेद है उसमें भी क्या ट्रिक है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा हमको सोचना है। सोचना क्या है कि अगर हम व्यायाम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी रूम में व्यायाम कर रहे हैं, कोई रूम है जिसमें कि हम व्यायाम कर रहे हैं, तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा, उष्ण सदन हो जाएगी, ठीक है। अब टेम्परेचर तो बढ़ गया लेकिन उसके साथ ही बॉडी का जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा तो उससे हमको क्या होगा, पसीना निकलेगा जिससे कि हमको छूदा होगी, ठीक है। अब इससे जो हो रही है हमें छूदा, उससे हम क्या करेंगे, हम पानी पियेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, वाटर मतलब पानी पियेंगे, ठीक है। तो पानी पियेंगे तो हम बहुपान करेंगे, ठीक है, बहुपान किए जिससे कि वो क्या हुआ, गुरु बन गया हमारे लिए। गुरु कहने का मतलब है कि गुरु एक तरह से भारी हो गया, हमने बहुपान किया तो जिसके वजह से शरीर भारी हो गया जिससे कि हमको गुरु प्रवाहण हो गया, ठीक है, ऐसा मानना है। उसके बाद जो है हम क्या कहेंगे इसमें कि यू अब क्रोध होगा, ठीक है। अब अगर हमारा शरीर जो है भारी हो गया है तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यू अब क्रोध होगा, तो यू से क्या लेंगे, यू से लेंगे उपनाह, अब से लेंगे आताप और आहाव, ठीक है, और बी से लेंगे भय और क्रोध से क्रोध और होगा से कुछ भी नहीं है। तो इसको आपको याद रखना है कि यूं अब क्रोध होगा। तो यहाँ पे जो 5 नाम आ जाते हैं और ऊपर के जो 5 नाम, इस प्रकार ये 10 हो जाते हैं। फिर से देखेंगे इसको कि अगर आप व्यायाम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा उस रूम का, ठीक है, ये रूम था हमारा जिसमें कि टेम्परेचर बढ़ रहा था, उससे क्या हुआ, उष्ण सदन हो गया। उष्ण सदन हो गया तो हमारे जो बॉडी है उससे बहुत ज्यादा पसीना लीक आउट होगा और हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे हमें छूदा होगा। छूदा होगा तो हम पानी पीने जाएंगे, पानी पियेंगे तो बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं तो उससे क्या होगा, शरीर गुरु हो जाएगा, तो गुरु प्रवाहण। और उसके बाद क्या कहेंगे कि यूं अब क्रोध होगा, ठीक है। तो जो ये कह रहे हैं तो यूं से आ जाएगा उपनाह, आ से आ जाएगा आताप, ए से आ जाएगा आहाव, बी से आ जाएगा भय, क्रोध से आ जाएगा क्रोध। तो इस प्रकार आप 5 मिनट के अंदर इसको याद कर सकते हैं और 5 मिनट के अंदर रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है, और इससे पेपर में आपको बहुत मतलब इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। थैंक यू।